हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान महिमा में। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि टीवी के इतिहास में भारत का पहला टीवी चैनल दूरदर्शन था। इसी 15 तारीख को दूरदर्शन के 60 साल पूरे हो चुके हैं। आपको हम इस वीडियो में दूरदर्शन के इतिहास के बारे में, उसकी सारी मज़ेदार बातें, उस समय क्या हुआ करता था, कैसा होता था, सब बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सभी जानते हैं दूरदर्शन की शुरुआत 1959 15 सितंबर के दिन हुई थी। इसका पहला प्रसारण भी उसी दिन हुआ था, जिसमें जब दूरदर्शन की शुरुआत हुई थी तो उसमें केवल आधे घंटे के प्रोग्राम दिखाए जाते थे, जिसमें शिक्षा और विकास कार्यों का होता था। उस समय दूरदर्शन सप्ताह में केवल 3 दिन आधे घंटे के लिए आता था और उस समय दूरदर्शन का नाम भी टेलीविजन इंडिया था। दूरदर्शन नाम तो इसका 1975 में पड़ा था, जिसके बाद दूरदर्शन लिखकर आने लगा टीवी पर। शुरुआती दिनों में ये केवल गिने चुने शहरों में ही था, जिसके बाद धीरे धीरे ये गांवों की तरफ बढ़ता गया, गांव में भी इसका विस्तार होने लगा। लेकिन उस समय भी गांव में ज़्यादातर घरों में टीवियां नहीं थी, बहुत कम ही घर ऐसे थे जहाँ पर टीवियां होती थी। जब दूरदर्शन आया था तो उसमें यह ब्लैक एंड वाइट में चलता था, लेकिन इसका पहला रंगीन प्रसारण 1982 में किया गया था, जिसमें एक एशियाई खेल को दिखाया गया था। टेलीविजन का वो दौर आते आते धीरे धीरे इस पर धारावाहिक भी चालू होने लगी थी और वो धारावाहिक बहुत प्रसिद्ध भी होने थी। जो टीवी नहीं देखे थे, पहली बार टीवी देख रहे थे, तो वो धारावाहिक देखकर बहुत ही प्रसन्न होते थे। इसमें से कुछ धारावाहिक के नाम ऐसे हैं जो आज तक कोई भूल नहीं सकता और हो सकता है आगे भी ना भूले, क्योंकि कुछ पल ही ऐसा था। तो उस धारावाहिक के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। बहुत सारी चालू हो गई थी, लेकिन कुछ यादगार धारावाहिक है, जिनमें से एक है रामायण। रामायण का दौर एक ऐसा दौर था जहाँ पे गांव में केवल एक ही टीवी होती थी और सारे गांव के लोग जुट जाते थे एक जगह पे और हाथ जोड़कर टीवी देखना स्टार्ट कर देते थे। उनको लगता था कि साक्षात प्रभु राम और सीता वहाँ पे प्रकट हो गए हैं। रामानंद सागर का वो रामायण पूरे भारत में बहुत प्रसिद्ध हो गया था। उस समय लोग उनको एकदम रियल यानी असली का ही राम और सीता समझने लगे थे। जब रामायण स्टार्ट होता हाथ जोड़कर बैठ जाते, जब तक खत्म नहीं हो जाता तब तक हाथ जोड़कर बैठे देखते रहते। उसमें टीवी को पूरा ही मंदिर बना दिया करते थे, एक टीवी पूरा मंदिर की तरह हो ही जाता था। वो रामायण सीरियल का दौर एक ऐसा दौर था जिसे कोई आज तक नहीं भूल सकता और ना आगे हो सकता है भूले। उसके बाद ही कुछ ऐसे सीरियल और आए, जिसके बाद महाभारत नाम का एक सीरियल आया, वो भी कुछ इसी प्रकार प्रसिद्ध हुआ। लोगों में उसकी चर्चा रहती थी, जब स्टार्ट होता था लोग अपने घरों का सारा काम का छोड़कर हाथ जोड़कर बैठ जाते थे देखने के लिए। फिर धीरे धीरे बहुत सारी सीरियल चालू होने लगी और उनमें से एक जो बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा पसंद था धीरे धीरे आते वक्त, वो था शक्तिमान। शक्तिमान एक ऐसा धारावाहिक था जो पूरी तरह काल्पनिक मैजिक पे आधारित था, लेकिन बच्चों का बहुत पसंदीदा बन गया था। वो भी बहुत ही यादगार धारावाहिक है। उस धारावाहिक को भी हम कभी नहीं भूल सकते। हो सकता है पहले के जो हों उनको नया याद हो, लेकिन उस समय जो बच्चे थे उनको तो ये धारावाहिक कभी नहीं भूल सकते। वो था बच्चों का कार्यक्रम, लेकिन जैसा हम आपको रामायण और महाभारत के बारे में बता रहे हैं, तो उस समय रास्तों पे एकदम सन्नाटा छा जाता था, एकदम कर्फ्यू जैसा माहौल हो जाता था और रविवार की सुबह सभी लोग अगरबत्ती जलाकर बैठ जाते थे। ऐसा लग रहा हो जैसे टीवी की ही पूजा करने बैठ गए हों। और खत्म होने के बाद तो बकायदा प्रसाद भी बांटा जाता था, ये उनकी एक आस्था थी। लेकिन आज तो हर घर में हर हाथ में टीवी आ गया है, जिसे हम मोबाइल कहते हैं। लेकिन वो भी दौर एक दौर था जिसे हम आज भी याद करते हैं। तो ये आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो इसे शेयर करके अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए और इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम आपको अपनी आने वाली अगली वीडियो जरूर दिखा सके। धन्यवाद दोस्तों।